तो ये है DJI RS 3 मिनी का बॉक्स, जिसको अभी हम अनबॉक्स करेंगे। अरे तो फाइनली एक ऐसा गिम्बल जिसके ऊपर हम अपना कॉम्पैक्ट सेटअप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी R7 के साथ मैंने 35mm लेंस लगाया हुआ है, और ये जो गिम्बल है इसका वेट काफ़ी लाइट है। मतलब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मोड में यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ अराउंड 850 ग्राम्स, वर्टिकल मोड में ये 795 ग्राम्स के आसपास रहता है। तो ऑल इन ऑल मेरा जो कैमरा है यही में जो सेटअप है उससे भी हल्का ये गिम्बल है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू कैरी। दिस इज़ द ऑल न्यू DJI Ronin RS 3 मिनी, एक कॉम्पैक्ट लाइट वेट एंड एट द सेम टाइम एक ऐसा गिम्बल जिसको आप अपने प्रो सेटअप या एंट्री लेवल सेटअप के लिए यूज़ कर सकते हो टू शूट वीडियो। बिकॉज अभी अगर मैं आपको दिखाऊं जो अभी हम सेटअप यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली एक प्रो सेटअप है R5 70-200 लेंस के साथ। बट कई बार क्या होता है कि मुझे एक ऐसा सेटअप चाहिए जो एक लाइट बॉडी के साथ लाइट लेंस के साथ हम यूज़ कर सकें, और RS 3 को हर जगह कैरी करना उतना ईजी नहीं है बिकॉज इट टेक्स लाइक वो जगह लेता है, वो थोड़ा हैवी है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस गिम्बल के बारे में और इन डेप्थ बात करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आई शेयर माई एक्सपीरियंस, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, और थोड़ा इसको और इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं। अब ऑल्दो ये गिम्बल काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट एक क्वेश्चन आता है कि इसका पेलोड कितना है। तो द मैक्सिमम पेलोड इज़ 2 kg, और अभी जो मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ कैनन R7 जो अपने आप में 600-650 ग्राम के आसपास है, प्लस लेंस, तो ऑल टुगेदर ये 1-1.5 kg का सेटअप है। इवन अगर मैं R5 70-200mm लेंस के साथ भी लगाता हूँ या 24-70 तो भी अप टू 2 kg उस सेटअप को ईजिली बैलेंस कर सकता है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि ऑल्दो इट्स एंट्री लेवल गिम्बल, बट एट द सेम टाइम आप इसको सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल अपनी किट के साथ भी इस गिम्बल को यूज़ कर सकते हो टू शूट वीडियोस। तो अब जैसे कि वर्टिकल वीडियोस की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, काफ़ी डिमांड है, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इवन क्लाइंट्स को मैंने देखा आजकल ये रहता है कि यार वर्टिकल में वीडियो चाहिए ताकि वो अपलोड कर सकें सोशल मीडिया पे। इसमें डबल लेयर्ड क्विक रिलीज प्लेट है, उसका मतलब ये है कि मुझे मान लेते हैं अगर इस गिम्बल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है, इवन कैमरा निकाल के अपने बैग में रखना है, तो मैं बहुत ईजिली इसको अनलॉक करके वो प्लेट निकाल के कैमरा को एज इट इज़ बैग में रख सकता हूँ, और वापस जब मैं वही सेटअप यूज़ कर रहा हूँ मुझे सिर्फ वो प्लेट इसके अंदर लगानी है, एंड आई एम रेडी टू गो। मैं सीधा गिम्बल उठा के शूट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि मुझे बार बार अपने गिम्बल को ना बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। एक बार बैलेंस कर दिया, प्लेट लगी हुई है, वही लेंस, वही कैमरा है, उसी को वापस उठा के मैं ईजिली लगा के आई कैन गो ऑन एंड शूट बहुत ईजिली कर सकते हैं, उसमें बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इस तरीके से मैं वर्टिकल वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरा ऐसा कुछ सेटअप है, एंड अगर मैं कुछ वर्टिकल वीडियो शूट करना चाहता हूँ, टॉकिंग हैंड वीडियोज़, व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ कि इस तरीके से मुझे उठ के चलना है, कुछ शूट करना है, तो वो भी वर्टिकल सेटअप में ईजिली हो सकता है। अब जब भी कोई नया कैमरा गिम्बल आता है ना, मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि भाई इसमें टेक्नोलॉजी वाइज क्या नया फीचर आया है। तो DJI RS 3 मिनी में एक नया फीचर ये है कि मैं ब्लूटूथ से अपने कैमरा और गिम्बल को वायरलेसली कनेक्ट करके मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड करना, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो। बिकॉज अभी जितना मुझे लग रहा है फर्मवेयर अपडेट के बाद भी जो कंपेटिबिलिटी है वो आप एक बार चेक कर लेना, बिकॉज हर एक कैमरा के साथ ये नहीं रहेगा। बट अगर आपका कैमरा कंपेटिबल है देन इट्स अ वेरी गुड फीचर बिकॉज ऑफ वायरलेसली फंक्शंस लाइक आप वीडियो को रिकॉर्ड, स्टार्ट एंड स्टॉप यहाँ से ही गिम्बल से ही सीधा कर सकते हो, कैमरा में आपको बार बार टच करके या बटन यूज़ करके नहीं करना पड़ेगा। बस एक चीज़ ध्यान देना, आपको सेटिंग में जाकर ना इनेबल रिमोट शूटिंग या ऐसा कुछ सेटिंग होगा जहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा कि रिमोटली वो शूट हो सके, उसको ऑन कर देना। हमारा पहले ऑन नहीं था तो मुझे लग रहा था कि यार ये फीचर नहीं चल रहा, बट जब सेटिंग में जाके देखा तो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन, तो यहाँ पे एक चीज़ सही है कि पहली चीज़ तो टच स्क्रीन है, कलर स्क्रीन है, सो दिस इज़ 1.4 inch फुल कलर टच स्क्रीन, और मुझे ये इसका इंटरफेस बहुत सही लगता है, स्पेशली जो रिसेंटली DJI ने अपने गिम्बल्स के साथ किया है कि मुझे यहाँ मेनली 4 फंक्शंस दिख जाते हैं। सबसे पहले ऊपर है कैलिब्रेशन का, मैं टच करके कैलिब्रेशन कर सकता हूँ। सेकंड और सबसे यूज़फुल फीचर मुझे लगा बैलेंस का, ये हर एक एक्सिस का ना पैन, टिल्ट, रोल ये सब आपको दिखा देता है। तो जब आप बैलेंस कर भी चुके हो आपको रिकन्फर्म करना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि भाई कोई ऐसा एक्सिस तो नहीं है जो इधर उधर रह गया, और उसको आप फिर जाके अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद बॉटम लेफ्ट में मेरे पास 3 मोड्स हैं कैमरा के, जो स्टार्ट होता है पैन फॉलो, पैन टिल्ट फॉलो और पैन
फॉलो और रोटेट। तो FPV में जाके मैं तीनों मोटर्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है फॉलो स्पीड, जो मुझे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। तो अभी मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, बट अगर आपको फास्ट मोटर का चाहिए कि भाई आपका जो मूवमेंट है उसको फास्ट करना है, स्पोर्ट्स एक्शन को शूट कर रहे हो, तो आप फास्ट करके भी कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं ऊपर से टच डाउन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शन है, इवन नीचे से स्वाइप करता हूँ तो जॉयस्टिक स्पीड है, एंड इवन जो डायल का फंक्शन है ना, जैसे कि एपर्चर, ISO, या आपको मोटर का फंक्शन करना है वो भी आप वहाँ जाके एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप केबल यूज़ करोगे अपने कैमरा से अपने गिम्बल को कनेक्ट करके, तो आप फंक्शंस जैसे कि एपर्चर और ISO, इस जो आगे ये स्क्रोल दिया हुआ ना, इसको यूज़ करके वो भी एडजस्ट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपका जो कैमरा है वो कंपेटेबल है। तो फाइनली जो गिम्बल का काम होता है स्टेबलाइजेशन, उसका थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। हमने एक सीक्वेंस सोची है, एक चेजिंग सीक्वेंस होगी जहाँ मैं भाग रहूँगा, मयंक होगा जिसको मैं चेज करूँगा, और मुझे ये भी देखना है बिकॉज DJI ने मुझे बताया कि इसमें RS3 स्टेबलाइजेशन एल्गोरिदम है, उसको चेक करेंगे। तो अब मैं इस गिम्बल को अपने रॉनिन ऐप से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, बहुत इजी है। ऐप जैसे ही मैं ओपन करूँगा, एक चीज़ मुझे सही लगा, अगर आप यहाँ देखोगे विदिन एक या दो सेकंड में ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट कर लेता है, अगर ऑलरेडी मैंने गिम्बल को अपने आईफोन से या एंड्रॉयड फ़ोन से जहाँ भी ऐप है उससे कनेक्ट किया हुआ है। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलती हैं सामने। अब अगर मैं क्रिएट पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे 6 ऑप्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, मुझे पहला ऑप्शन मिल रहा है वर्चुअल जॉयस्टिक, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो इस तरीके से ये सही है, मतलब आप ये जो रील व्हील्स में देखते होगे ना कि अपने आप गिम्बल मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैं अपने फ़ोन को यूज़ करके ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट डिपेंडिंग, इवन डायगनली भी मैं इस गिम्बल को मूव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, यहाँ से ये एडजस्ट हो रहा है। एंड इवन इंडिविजुअली अगर मैं पैन का यहाँ पे स्पीड एडजस्ट करना चाहता हूँ, टिल्ट का स्पीड, रोल का स्पीड, ये सब करने के बाद ये कितना फास्ट मूव हो रहा है। अगर एक बार पैन फुल करके देख लेते हैं, दिस इज़ 100 जिस पे अभी ये पैन हो रहा है, और यहाँ रीसेंटर दबा के ये ऑटोमेटिकली रीसेंटर हो जाएगा। उसके बाद अगला फोर्स मोबाइल मोड है। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एनेबल फोर्स मोबाइल ऑन कर देता हूँ तो इस तरीके से आप देखो जैसे मैं फ़ोन को मूव कर रहा हूँ उस तरीके से मेरा गिम्बल मूव होगा, और रिस्पॉन्स इसका काफ़ी सही है, बहुत कम डिले है। जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ उस तरीके से मेरा कैमरा गिम्बल मूव कर रहा है। एंड इवन अगर जितना मेरा 180 डिग्री ईजिली जा रहा है, उससे ज़्यादा भी चले जाएगा अगर मैं हाथ घुमा पाऊँगा, तो या दिस इज़ समथिंग जो आप इजिली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्रिएटिव मोड्स हैं, पैनोरोमा, टाइम लैप्स, ट्रैक। अभी जो ट्रैक मोड है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं मैंने एक ये ऐड पॉइंट कर दिया, इसको प्लस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं मुझे एक मोशन चाहिए हल्का सा ऊपर लेफ्ट जाते हुए, तो ये भी मैं ऐड कर लूँगा। ये करने के बाद मैं अपना मूवमेंट ड्यूरेशन और टाइम देने के बाद जैसी रिकॉर्ड ऑन करूँगा तो ये क्या करेगा, जो वन पॉइंट है वहाँ से मूव होते हुए जो मैंने पैटर्न सेट किया था इस तरीके से, ये जो भी पैटर्न है वो खुद क्रिएट करेगा क्योंकि मैंने उतना डिले और उतना मूवमेंट ड्यूरेशन दिया हुआ है। और लास्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं ऐप को यूज़ करके अपनी कैमरा सेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ। तो देखो अगर मैं शटर स्पीड चेंज कर रहा हूँ तो साथ ही साथ यहाँ पे भी शटर स्पीड लाइव चेंज होती जा रही है। इवन अगर मैं अपर्चर को चेंज करना चाहता हूँ, 4.5 लिया, यहाँ पे भी 4.5 हो गया। एंड इवन ISO चेंज कर सकते हैं, फोकस स्पीड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे गिम्बल पर ही जाके मैनुअली सेटिंग चेंज करनी पड़े। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपको पैनोरोमा, टाइम लैप्स, ट्रैक, कैमरा सेटिंग, ये सारे फीचर यूज़ करने हैं तो आपको केबल जो साथ में बॉक्स में मिलती है वो गिम्बल से कैमरा पर कनेक्ट करनी पड़ेगी। एंड कंपेटिबिलिटी लिस्ट ज़रूर देख लेना, तो उन्हीं कैमराज में ये चीज़ मोस्टली काम कर पाएगी। और एक और काफ़ी प्रैक्टिकल और यूज़फुल फीचर मुझे लगा, जो एक डेडिकेटेड मोड का बटन दिया गया है ना, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ से ही अपने मोड को चेंज कर सकता हूँ। एंड आई लाइक द फैक्ट कि मुझे सामने ही ना अब ये DJI दिखाता है M1, M2, M3, जिससे मुझे पता लग जाती है कि भाई मोड 1 है, 2 है या 3 है।
जैसे मोड वन है पैन फॉलो, देन पैन टिल्ट फॉलो, देन एफपीवी। तो ये कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिकली शूट करते हो ना, आपका जो प्रोसेस है, जो टाइम है, उसको काफ़ी कम कर देता है और आप बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी और फ्रेमिंग पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हो। और मोड्स में मुझे दो और ऑप्शन मिलती है, एक है कस्टम कि मैं खुद कोई भी तीनों में से जो भी एक्सेस मुझे ऑन ऑफ करना है वो मैं करके एक कस्टम प्रीसेट बना सकता हूँ, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है 360 डिग्री मोड, जहाँ पे बेसिकली मैं लेफ्ट या राइट प्रेस करके अपने गिम्बल को 360 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ और कुछ ऐसा इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। और अभी हम 3D रोल 360 मोड में कुछ सैंपल्स भी ले रहे थे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने रियलाइज़ की, तो जॉयस्टिक जो है ना उसको अगर मैं एकदम लेफ्ट लेके जाऊंगा तो ये एकदम फास्टेस्ट मोशन देगा, बट जैसे ही मैं डायगनली ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा ना, ये देखो स्लो मोशन होगा इस तरीके से। तो मैं स्पीड ऑफ जो रोल है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये जो स्पीड कंट्रोल है ये मैं जॉयस्टिक से भी कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि भाई RS3 मिनी का जो बैटरी बैकअप है वो कितना है, तो 10 घंटे तक का इसका बैटरी बैकअप विच इज़ गुड इनफ, मतलब आप मान लो आप अगर 2 से 3 घंटे का शूट रखते हो तो आप 2-3 शूट इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद ये पॉइंट आता है कि भाई चार्ज में कितना टाइम लेता है, तो 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम में फुल बैटरी चार्ज कर देता है, तो फास्ट है एक तरीके से आप बोल सकते हो, बिकॉज आई रिमेंबर एक टाइम था जब 6 से 7 घंटे पूरी गिम्बल की बैटरी चार्ज होने में लगती थी। बस मुझे इसमें एक ड्रॉबैक लगा जो है भी और नहीं भी, वो ये है कि एक तो छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो सीधा इसको चार्जिंग पे लगा सकता हूँ, बट जो इसकी बैटरी है वो डिटैचेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैटरी हटा के चार्जिंग पे लगा दूं जैसे RS3 में हम करते हैं, तो वो एक पॉइंट है, बट ठीक है, आई थिंक कॉम्पैक्ट गिम्बल है तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस गिम्बल का एक और यूज़ है, अगर आप सोलो क्रिएटर हो, जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी खुद की वीडियो बनानी है, तो मैं जो आगे ट्रिगर है उसको ट्रिपल प्रेस करूँगा, इस तरीके से आगे को कैमरा आ जाएगा, और अब जो आप फुटेज देख रहे हो मैं एक्चुअली RS3 मिनी के साथ शूट कर रहा हूँ। अभी मैंने 16mm लेंस लगाया हुआ है और ये चीज़ मुझे सही लगी कि गिम्बल भी काफ़ी लाइट वेट है ना, तो इस वजह से मैं इस तरीके से इजीली यूज़ भी कर सकता हूँ व्लॉगिंग के लिए, ज़्यादा वेट भी नहीं है और मतलब मुझे इतना स्ट्रेन नहीं पड़ रहा हाथ पे। और अगर आप सोलो क्रिएटर हो, आप व्लॉगिंग करते हो स्पेशली ट्रैकिंग पे, अनइवन सरफेसेस पे, आप स्टेबलाइजेशन अभी देख सकते हो, तो ये भी एक इसका यूज़ है। आप फ्रंट कैमरा, मतलब मैं इस तरीके से अपनी स्क्रीन में देख के देख सकता हूँ कि भाई कैसा एक्सपोजर आ रहा है, कैसा फ्रेम है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो ये था DJI RS3 मिनी के बारे में एक वीडियो, जहाँ पे इनिशियल इंप्रेशन, इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स के बारे में बात करी। सो ऑल इन ऑल इसका जो प्राइस जितना मुझे आइडिया अराउंड 30,000 के आसपास आएगा, और ये गिम्बल बेसिकली टारगेट कर रहा है ऐसे क्रिएटर्स को जो सोलो क्रिएटर्स हैं या फिर जिनको एक लाइट वेट गिम्बल चाहिए ताकि वो अपने मिररलेस कैमराज में या इवन एक प्रोफेशनल सेटअप में 2 kg के अंडर कैमरा सेटअप यूज़ करके गिम्बल को यूज़ कर सके। एंड एक्चुअली इतने टाइम हमने अभी शूट किया तो गिम्बल इतना हैवी नहीं लग रहा हाथ में, एंड इवन द ग्रिप इज़ गुड। तो एक और चीज़ मैं इस वीडियो में पॉइंट आउट करना चाहता था, अभी आप DJI का जो इस बजट में गिम्बल है विच इज़ अराउंड 25 से 30,000 के बीच में जो गिम्बल है, Ronin SC इज़ वन ऑप्शन जो आपको देखेगा इंटरनेट पे, बिकॉज अब उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्लेस ही कर रहा है RS3 मिनी। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं पॉइंट आउट कर दूं अगर आप कंफ्यूज होते हो दोनों गिम्बल में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप यहाँ साइड बाय साइड देख ही सकते हो कि जो RS3 मिनी है द लेटेस्ट गिम्बल कॉम्पैक्ट है, काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो अगर मुझे अपने बैग में कैरी करना है या इवन शूट भी कर रहा हूँ तो वेट में भी काफ़ी डिफरेंस है, 400 ग्राम के आसपास वेट का डिफरेंस है, एंड ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट है तो अगर मेरे पास ऑप्शन होगी तो आई प्रेफर अ कॉम्पैक्ट गिम्बल एनी डे। उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा वो है वर्टिकल शूटिंग, तो मैं इसमें सीधा अपनी प्लेट को निकाल के डेडिकेटेडली वर्टिकल शूट कर सकता हूँ, Ronin SC में वो ऑप्शन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं RS3 मिनी का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। देन अगर मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे मोड चेंज करने हैं, एक मोड से दूसरे मोड पे जाना है, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, RS3 मिनी में डेडिकेटेड बटन है तो मैं उस पे जाके इजीली स्विच कर सकता हूँ अपने मोड को। देन जो अगला डिफरेंस आता है वो है स्क्रीन का, तो Ronin SC में ऑब्वियसली आपको दिखेगा स्क्रीन है ही नहीं, बट RS3 मिनी में मुझे स्क्रीन मिलता है, टच स्क्रीन है, कलर स्क्रीन है, तो उसके बाद कुछ कुछ छोटी चीज़ें और ब्लूटूथ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वीडियो शूट कर सकता हूँ, शटर बटन रिलीज हो सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि जो अभी DJI के ही 2 गिम्बल्स हैं सेम बजट में तो उसका डिफरेंस आपको बता दिया जाए। बाकी इस गिम्बल को जितना भी मैंने यूज़ किया अभी तक इट लुक्स वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ कि ये रिव्यू है, कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ नहीं है, बस एक चीज़ मुझे लगा कि अगर बैटरी डिटैचेबल होता तो मैं ईजिली उसको निकाल के चार्ज कर सकता था, मुझे पूरे सेटअप को चार्ज नहीं करना पड़ेगा, बट बिकॉज
ये गिम्बल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा लाइट वेट है और इतना हैवी भी नहीं है, तो मैं इजीली इसको चार्जिंग पे भी लगाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा सेटअप चार्जिंग पे लगा हुआ है। सो यार दैट इज इट, बाकी इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।